मेरे पास आ जाएगा। आप साथ साथ सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा जो मैंने करवा चुका हूँ, मैं साथ साथ समझा भी देता हूँ। एन सी नॉट यू एन बी एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन। देखें जो आपकी इनमें अगर आपके पास दोनों टर्म ऐसी आ जाएं जिनका डेरिवेटिव एन टाइम्स तक जा सकता है तो फिर आपकी मर्जी होती है यू एंड बी लेने का। लेकिन जब आपके पास, आपको पता है कि कॉस जो है वो जस्ट कन्वर्ट होता है एक फंक्शन से दूसरे में, कॉस से साइन, साइन से कॉस, कॉस से साइन, साइन में कॉस, हमेशा ये होगा। लेकिन जो आपका पोलिनोमियल होता है जो एक्स फोर है वो पावर हर बार कम करता रहता है। आप जितना उसका डेरिवेटिव करते रहेंगे वो उतनी ही आप पावर क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसलिए मैं जो उसको सिलेक्ट करूंगा वो क्या करूंगा, वी करूंगा पॉलिनोमियल को। और ऐसा फंक्शन जो आपके पास एन टाइम्स तक चलता रहता है वो आपको, अब वो आप उसको क्या सिलेक्ट करोगे, यू सिलेक्ट करोगे। जिस तरह एल एन एक्स और आएगा आपके पास एक्स आ जाए तो आप एल एन एक्स को यू लोगे और एक्स को वी लोगे। एक्सपोनेंशियल और एक्स आएगा तो एक्सपोनेंशियल को यू लोगे और दूसरी वैल्यू जो आपकी होती है उसको क्या ले लोगे, वी ले लोगे। क्लियर? अच्छा ये जो है ना फॉर्मूला फिर इसी तरह ये चलता रहेगा। एन सी टू में आप यू एन माइनस टू वी टू, ये एन सो ऑन चलता रहेगा। जिस तरह वी टू है ना तो हम इसको वी फोर तक रखेंगे। जो हमारे पास है वैल्यू एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री वी थ्री प्लस एन सी फोर यू एन माइनस फोर वी फोर, क्योंकि हमने जो हमारी टर्म्स हैं वो फोर टाइम्स तक हैं तो उससे हम तक मतलब हम करेंगे इसको ऐसे। नेक्स्ट काम हमारा होगा जो हमने अपनी वैल्यू रखी हुई है उन वैल्यू को पुट करना है। अब उन वैल्यू को कैसे पुट करना है देखिएगा। जैसे हमारे पास है एन सी नॉट को आप ऐसे ही लिख लें, उसको तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। यू एन मैंने अभी आपके पास लिखा हुआ है, मैं आपको यू एन का भी समझा देता हूँ कैसे है। देखें बहुत सिंपल है, ये कॉस थ्री एक्स है। आप जितनी बार इसको डेरिवेटिव करेंगे हर बार आपके पास इसकी एन टाइम्स ही बनेगी। कैसे, मैं आपको इस तरह बता देता हूं। अगर कॉस टू एक्स है इसको जितनी बार डेरिवेटिव करो एक्सेप्ट माइनस अभी इग्नोर करते हुए, आपको हर बार क्या मिलेगा, टू मिलेगा, फिर टू मिलेगा, फिर टू मिलेगा। मीन्स हर बार आपको टू 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 ही मिलता जाएगा। अगर हम इससे ऐसे लिख लें टू की पावर एन तो इसका मतलब यह है कि टू एन वन पुट करो टू आएगा, एन की जगह टू पुट करो फोर आएगा, एन की जगह थ्री पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एट। तो आप अगर उसको एन टाइम्स तक लिखना है तो आप इसकी जगह ऐसे क्यों नहीं लिखते, टू की पावर एन कॉस, और तो आपको पता ही है टू एक्स प्लस एन पाई अपॉन एन, हम ऐसे लिखते हैं। ये एन टाइम्स का बता रहा हूं, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कॉस टू एक्स आए, अगर इसी तरह मैं इसकी जगह लिख दूं कॉस बी एक्स लिख दूं और उसको आपको बोलूं कि उसको एन टाइम्स करना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने यही करना, बी एक्स है ये, बी एक्स बी को बाहर ले लें, उसकी पावर एन कर दें और कॉस बी एक्स प्लस एन पाई अपॉन टू, ये एन टाइम्स का बता रहा हूं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये साइन और कॉस का है। तो जब भी आप आएंगे एंड टाइम्स में तो आपने इनको ऐसे लिखना होगा। मैं आपको देता हूं, आप फिर कॉपी भी कर लीजिएगा। अच्छा उसके बाद है हमारे पास जो पहली वैल्यू हम इसकी लिखेंगे वो लिखेंगे एन सी नॉट, तो मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया है। अब जो इसकी पहली वैल्यू मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, यू एन, और यू एन की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ रही है, अभी हमने ऊपर इसकी वैल्यू निकाली थी, थ्री की पावर एन कॉस थ्री एक्स एन पाई अपॉन टू यू, वेट इसको हम
3n, 3 की पावर n cos 3x प्लस n पाई अपॉन 2 प्लस, अच्छा जो nc1 है ना उसको मैं n करके लिख रहा हूँ, ये जो फैक्टोरियल जो मैंने आपको फॉर्मूले भी लिखवाए थे कि जो ncr और कॉम्बिनेशन के हैं, nc1 जो है वो मैं n करके लिख रहा हूँ, यू एन माइनस जो वन है मैंने अब उसकी वैल्यू लिखनी, उसको मैंने अब करना है डेरिवेटिव, आपने करना कुछ नहीं है, मैं आपको ये सारा बता देता हूं, जहां पे आपके पास एन आएगा ना, हाँ मैं वेट मैं बता रहा हूं, या B की वैल्यू मैंने नहीं लिखी, वेट मैं लिख देता हूँ, गुड आपने ठीक बताया, बिल्कुल V की वैल्यू लिखनी है, ये मैंने V की वैल्यू क्या थी मेरे पास, X4 थी, X4 हाँ, कुछ कोई वैल्यू मिस हो तो चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, X4 अब ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं करना आपको, अब लिखा हुआ है N C1 कर दिया U N माइनस वन, जहां पे भी अब आपके पास n की वैल्यू आ रही है ना, कहीं भी आ रही है, मींस आपको सेकंड टाइम उसको रिप्लेस करवा दो, n तो मैं लिख रहा हूं क्योंकि nc1 को मैं n लिख रहा हूं, इस n की जगह मैं n-1 रिप्लेस कर रहा हूं, cos 3x इस n की जगह भी n-1 को क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं अपॉन 2, अब x4 था जब मैंने v1 का डेरिवेटिव किया था तो मेरे पास क्या आ गया था, 4x क्यूब हो जाएगा, ये मेरे मैंने कौन सी टर्म के लिए किया हुआ है मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये मेरा है nc1, मैंने क्या लिखा दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, nc1 को मैंने n लिखा, अगर कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले अगर याद हो तो nc1 लिखा है, मैं वो भी लिखवा देता हूं अभी, un माइनस वन जो आपकी n वैल्यू होती है ना उसमें से एक माइनस वन कर देना है, जिस तरह हम डेरिवेटिव कर रहे होते हैं हमने वैसे उसको डेरिवेट कर देना है। अच्छा नेक्स्ट जो है आपका क्या है वैल्यू, वो है कॉस की वैल्यू, मींस उसमें हमने n की जगह आपने क्या पुट कर देना है, n माइनस वन पुट कर देना है, इसी तरह हम अगर आगे चलें तो nc2 क्या आ जाएगा आपका, n n माइनस वन n n माइनस वन अपॉन टू, nc2 के लिए ये nc2 की वैल्यू होती है, अगर आपने बाइनोमियल में इस तरह किया हो और याद हो तो इस तरह होता है n फॉर्म में, अब un माइनस टू है तो un माइनस टू को हम कैसे लिख सकते हैं, जो भी आपकी वैल्यू होगी ना जिस तरह n माइनस वन आपने रिप्लेस किया है, अब आप किसको रिप्लेस कर दो, n माइनस टू को रिप्लेस कर दो, ये मैं nc2 लिख रहा हूं n n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल थ्री की पावर n माइनस टू कॉस थ्री एक्स प्लस n माइनस टू अपॉन टू पाई, अब जो मैंने v2 का डेरिवेटिव किया था वो मेरे पास कितना था, 12x स्क्वायर, प्लस ये मैंने कहां तक कर लिया, अब मैंने 3 का करना है nc3, अब आपको पता है nc3 के लिए आप इसको बढ़ा दोगे n n माइनस वन n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस थ्री हो जाएगी, cos 3x प्लस n माइनस थ्री की पाई इंटू टू, और जो 12x स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा आपका, 24x, और लास्ट टाइम जब मैं इसको ओपन करूंगा ये मैं दोनों फॉर्म में लिख के बता रहा हूं, आपको जिसमें भी लिखना हो आप लिख सकते हैं, एक मिनट कुछ बच्चे ऐड हो रहे हैं मैं उनको ऐड कर लूं, n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री अपॉन फोर फैक्टोरियल
थ्री की पावर एन, ये कॉस वायर है, कॉस वायर लिखा हुआ है मैंने, थ्री, अच्छा थ्री एक्स एन, इसको ये मैंने फोर टाइम्स ओपन कर दिया। अब ये फोर अब ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास अगर n की वैल्यू दी जाती है ना, फॉर एग्जांपल साथ में दी जाती है कि फॉर n इक्वल्स टू 4 आफ्टर जनरलाइज फॉर्म, ये हमने जनरलाइज n फॉर्म में लिखा है, आफ्टर जनरलाइज फॉर्म पुट n इक्वल्स टू 4। अब आपके पास जहां जहां वैल्यू आएगी n की वहां आपने क्या पुट करना होगा, मैं आपको बता देता हूं। ये जिस तरह मैं लास्ट में एक पुट करके बताता हूं, 4 4 माइनस 1, एक काम और भी कर सकते हैं, देखिए एन सी फोर है, दो तरीकों, दोनों मेथड से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एन सी फोर आप इस तरह भी लिख सकते हैं 4C4, और 4C4 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, कैलकुलेटर से चेक करके बताएं, 4 कॉम्बिनेशन 4 करें आंसर 1 आएगा, चेक करें। अगर मैंने ये लिख दिया कि आप पुट एन इक्वल्स टू 4 आफ्टर जनरलाइज, अगर पुट एन इक्वल टू 4 नहीं आएगा, मींस आपको कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपने क्या करना होगा, यही जनरलाइज ही लिखना होगा। ये दोनों बातें ध्यान से याद रखिएगा। अच्छा, जहां आपने, यहां पे तो मैंने लिख दिया 1, ये हो गया आपका 1, ये पूरी वैल्यू। अब 3 की पावर ये भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 4 पुट कर रहे हैं। मैं जस्ट लास्ट में बता रहा हूं, और मैं आपको कुछ वो नहीं बताऊंगा, और वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू बता रहा हूं, cos 3x plus 4 minus 4 कितना हो जाएगा, लास्ट वाला 4 minus 4 0, 0 से पाई बाय 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो जो लास्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 3 की पावर 4 cos 3x, और एक टर्म जो नीचे से मिस है वो कौन सी है, 4 का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो होगा y इक्वल टू x की पावर अप्लाइंग लेबनीज प्रोडक्ट रूल, nth फॉर nth ऑर्डर आफ्टर जनरलाइज पुट n इक्वल्स टू 4 n equals to 5, जितना भी x 5 के जो भी ऑर्डर दिया होगा आपने वो पुट करना है, चाहे वो 6 तक का क्यों ना हो। After generalize means आपने n time उसको ओपन कर लिया, सब कुछ करने के बाद आप इस तरह, मैंने आपको generalize nc not nc कर लिया, अच्छा जो cos की वैल्यू होगी, cos और sin को आपने हमेशा क्या करना है, इस तरह ही लिखना है। अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया भी है, समझाया भी है कि अगर आपके पास एंगल में जो भी वैल्यू आए n टाइम्स में उसकी पावर कर देना, और जैसे जैसे n माइनस 1 बढ़ता जाएगा आप उसमें ऐड करते रहो, मींस 3 की पावर n माइनस 1 cos 3x प्लस n माइनस 1 पाई अपॉन 2, इस तरह करते रहो, मींस हर बार आपने इस तरह डिफरेंट तरीके से, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, मतलब जितनी टर्म्स होंगी ना आपके पास आप उतने टाइम्स उसको करते रहो, ओपन करते रहो फॉर द साइन एंड कॉस। उसके बाद आप वैल्यू पुट कर लें, ये एन सी नॉट, एन सी वन, एन सी टू, और ये साथ में ना आप ये भी याद रखें कि एन सी वन और एन सी टू किसके इक्वल होता है, जरूरी नहीं है कि आप हर बार कैलकुलेटर से करें, एन सी नॉट तो आई थिंक 1 ही है, और जो एन सी वन है वो एन के इक्वल है, एन सी टू है तो एन एन माइनस 1 अपॉन 2 है, तो ये आपने इस तरह से इसको याद रखनी है ये वैल्यू, और ये वैल्यू पुट करनी है। यहां तक करने के बाद फिर जो ऑर्डर आपको दिया होगा, मींस n इक्वल टू 6 या 5 4 3 जो भी आपको दिया होगा वो इसमें पुट करें, और ये क्या आ जाएगा।